खरीदारी ये आ रही है। पर एक स्टॉक जहां पर लगातार जी बिजनेस पर आपको खरीदारी की राय मिल रही है, अनिल जी ने इसके बारे में बात करी, राकेश जी, कुणाल जी ने एक बड़ा पोजिशनल टारगेट दिया है और आज ये स्टॉक है दमदार एक्शन में BEML। 20% के सर्किट पर आपको काउंटर दिख रहा है और तेजी यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या है खबरें जिसकी वजह से इतना बड़ा उछाल आया है काउंटर में, आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताएं क्या चल रहा है BEML में। बिल्कुल दीपांशु, देखिए खबरें तो है ही और सारी अच्छी खबर है। सबसे पहले कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक से बढ़कर एक कंपनियां जो है वो दिलचस्पी दिखा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर सकते हैं ऐसी संभावना यहाँ पर आते हुए दिख रही है, जिसका एक इंपैक्ट है जो कि सुबह से हम देख रहे हैं। कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने के मन से यहाँ हिस्सेदारी खरीदने का मन बना रही हैं। BEML में सरकार ने 26% हिस्सेदारी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए हैं और 4 जनवरी से सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रक्रिया जो है उसे मंगवाना शुरू किया है। 22 मार्च एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने की आखिरी डेडलाइन होगी, यानी कि लास्ट डे होगा। सरकार की BEML में 54% हिस्सेदारी और दिग्गज कंपनियों की रुचि देख दीपम ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के डेडलाइन जो कि 1 मार्च रखी थी उसे बढ़ाकर अब 22 मार्च कर दिया है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी में और कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बड़ी दिग्गज कंपनियां जता रही हैं। सरकार ने SBI कैपिटल को पूरी प्रक्रिया के लिए नियुक्त किया है, सारी फॉर्मेलिटीज जो भी होंगी वो SBI कैपिटल देखेंगी। और अब BEML पसंद क्यों है या पसंद क्यों आ रहा है सबको, इसकी अगर बात करें ऑटो कंपनियों के लिए BEML एक बड़ी कॉम्पिटिशन साबित होती हुई दिख सकती है। स्टेट कंट्रोल्ड होने के नाते बड़े टेंडर कंपनी को हासिल होते हुए आए हैं और आगे भी पूरी क्षमता कंपनी की है कि बड़े टेंडर ये कंपनी हाथ ले सकती है। बेंगलुरु, कोलर, गोल्ड फील्ड्स, मैसूर, पलक्कड़ और चिकमंगलुरु जैसी कई जगह हैं जहां पर कंपनी के कुल मिलाकर 9 यूनिट्स हैं। BEML के स्टेक सेल से सरकार को पूंजी जुटाने में भी मदद मिल सकती है और इसी के चलते ये स्टेक सेल की पूरी प्रक्रिया की जा रही है जिसमें कई सारी कंपनियां जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं। बेमिसाल प्रोडक्ट लाइन है, पृथ्वी मिसाइल लॉन्चर, आर्मी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, रेलवे और मेट्रो कोचेस जो की BEML बनाती है। वहीं 3 बड़े अहम सेगमेंट भी है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड एरोस्पेस, रेल एंड मेट्रो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसे खरीदने के पीछे बड़ी कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही है और इसी के चलते आज के सत्र में यहां पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड दिख रहे हैं हम। बिल्कुल, और BEML दमदार तेजी में रहा है, दमदार एक्शन रहा है। 1700 के तो पोजिशनल टारगेट्स भी आए हैं राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से, और लगातार अनिल जी ने भी आपको कहा है कि नजर रखिए PSU डाइवेस्टमेंट इस साल की एक बड़ी थीम हो सकती है। रुकने का नाम नहीं है, गजब चल रहा है, जबरदस्त। बंसल जी आपने भी सोचा था इतना जल्दी हो जाएगा 1400 रुपए? कितनी चीजें हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं, ऐसे टारगेट नहीं दिए जाते हैं। अनिल जी मेरा मानसी से एक प्रश्न है, अनिल जी पूछो, मुझे क्या दिक्कत है, आज तो हैप्पी वुमेन्स डे है, मानसी जी तैयार, पूछने दो। बिल्कुल बिल्कुल पूछो जी। देखिए अनिल जी, मानसी जी इतना मतलब कि वो लड़खड़ाई क्यों, चिकमंगलूर बोलते हुए, अनिल जी काफी फेमस जगह है, प्रधानमंत्री हमारे देवेगौड़ा जी यहीं से इलेक्शन जीत के आए हैं अनिल जी, तो ये चीज तो अनिल जी मतलब कि आसानी से बोली जानी चाहिए। चिकमंगलूर से देवेगौड़ा जी कहाँ जीते थे? चिकमंगलूर से तो इंदिरा गांधी जीती थी जहाँ तक मुझे याद है। अब राकेश जी आप जवाब दीजिए। बंसल जी फर्स्ट हो गए आप, चलो सब लोग गूगल करके देखो। लेकिन चलिए जो भी, नहीं नहीं अनिल जी गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा पक्का आप सही है? अनिल जी इंदिरा गांधी जी तो इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ती थी, नॉर्थ से, अनिल जी यूपी से आए हैं, इंदिरा गांधी जी के जमाने में तो सारे PM यूपी से आते थे। अच्छा चलिए बढ़िया है, ठीक है, हमारी राजनीति में रुचि भी कम है। साफ तौर पर एक बड़ी खबर BEML में, पूरा का पूरा ही BEML से ज्यादा है। एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में आ रहा है, पिछले कुछ मिनटों में तेजी से भागा है, इस सरकारी कंपनी में नजर करिए, ITDC 12%, माय गॉड इसको क्या हुआ है, कुछ चल रहा है सर, 400 रुपए की तरफ जाने की तैयारी में दिख रहा है ये। 14% 15% ITDC अच्छा टूरिज्म वाली कंपनी, इस चक्कर में तो नहीं थॉमस कुक भी, ओके ओके ITDC देखिए, हालांकि कारोबार बहुत दूर दूर तक अलग अलग 16% है। ये आपके लाइक स्टॉक है, इसके चार्ट आप ही देख सकते हो सुमित जी, जरा देखिए इसको।
हाँ अनिल जी बिल्कुल, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक रिसेंटली हाईज ब्रेक कर चुका है और स्टॉक में एक अच्छा तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, तो 400 तक के लेवल बिल्कुल इसमें देखने को मिलने चाहिए और 400 का लेवल भी शायद ब्रेक होगा और 450 रुपए तक के लेवल ITDC के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी बाय किया बिल्कुल होल्ड करके बैठे, 400-450 तक के लेवल ITDC में देखने को मिल सकता है। ओ 400-450 तक के लेवल ITDC में, 20% के सर्किट की तैयारी, 10% बढ़ चुका है थॉमस कुक। ओहो गजब भागे जा रहे हैं इन स्टॉक्स में, पूरा का पूरा एक्शन आपको नजर आ रहा है। 390 रुपए पर ITDC का स्टॉक ट्रेड करता, वाह दमदार एक्शन है सर, अमेजिंग बिल्कुल।